पांच टिप्स जो आपके रिश्ते बहुत मजबूत बना देंगे उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। पांच ऐसे शब्द कि जिससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे रिश्ते जो है वो बहुत मजबूत रहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, एक दूसरे का इंसल्ट कर देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे होते रहता है और फिर रिश्ते में दरार आना चालू हो जाता है। बहुत बार हमको ऐसा मालूम है कि मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर मैं नहीं करता क्योंकि मेरा ईगो जो है वो बहुत आड़े आता है। रिलेशनशिप में समझो मुझे कुछ अच्छा लगा किसका, घर में है या बाहर है, मुझे कुछ अच्छा लगता है किसका, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आई अप्रिशिएट यू, मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो लोगों को अप्रिशिएट करो, उनमें जो भी अच्छी बात है उसको, उसकी कदर करो, उसको एक्नॉलेज करो। उसको बोलता है कि आपको मानता हूँ मैं, बहुत बड़ा अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड। तो ये पहली बात है, नंबर एक कौन सी, अप्रिशिएट करना या कद्र करना। नंबर दो, आप जब भी कभी किसके साथ में हो, समझो आप उसके साथ में डिबेट में आना चालू हो गए, या आप जो कह रहे हो और वो कह रहे अलग अलग है, आप तुरंत अपना ट्रैक बदल सकते हो और बोल सकते हैं कि देखिए ये मेरे व्यू में ऐसा लगता है, मुझे ये मेरा नजरिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस एकदम ही आपका डिबेट खत्म हो जाएगा वहाँ, क्योंकि मेरा नजरिया है, हो सकता है कि वो सही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो तुरंत ही आपका डिबेट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगता है, तो दोनों को अलग अलग लग सकता है, वो ट्रुथ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सेकंड है कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, तीसरा, कोई आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वो जब आप उसको थैंक यू बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है उससे, और आपको भी अच्छा लगता है कि इसको आप थैंक यू बोलेंगे। तो जब भी कभी आप किसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हो, तो वो काम वो फिर से करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और वो काम फिर से दोबारा वो दोहरा सकता है। तो इसलिए कभी अच्छा काम कोई भी करता है, आपके लिए कुछ करता है, तो डेफिनेटली उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू वेरी मच। ये तीसरा हो गया। चौथा, यदि आपको किसको कुछ बोलने का है, कुछ भी किसको बोलने का है, आपको कुछ काम करने के लिए बोलने का है, या मेरे लिए एक और ऐसा बोलने का है, कुछ भी, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपको विनती करता हूँ। तो उसके पहले ऐसा कि क्या मैं आपको विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यस। उसने यस बोलने के बाद में फिर रिक्वेस्ट करना कि मुझे आपके कार की चाबी चाहिए और मुझे जब बाहर जाके आना, क्या मुझे मिल सकती है, तो हाँ बोलेगा। मतलब आप उसको ऐसे इसमें लेके जा रहे हैं कि वो हाँ बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट, क्या मैं आपको विनती कर सकता हूँ, उसने बोला हाँ मेरी विनती ऐसी है कि मुझे आपके कार की चाबी चाहिए, मुझे 10 मिनट में जाके आना है। तो रिक्वेस्ट जब आप किसी को करते हैं तो उसको फिर चॉइस है हाँ या ना बोलने का, और फिर ज़्यादातर वो चॉइस में वो हाँ बोलता है, और उसको फिर बुरा भी लगता है कि मुझे डिमांड किया उसने, मेरे ऊपर हावी हो गया, जोर जबरदस्ती किया, ऐसा उसको लगता नहीं, और वो हाँ बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये चौथा है। पांचवा, यदि आपने कुछ गलती किया और आपको मालूम है कि मैंने गलती किया हुआ है, या आपने गलती किया भी नहीं है मगर सामने वाले को लगता है कि आपने गलती किया है, या आपने जो भी उसको कुछ बोला तो उसको बुरा लगा है, तो आपने सीधा उसको बोलना चाहिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। तो आप जब आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो ऐसा बोलते हैं, तो एकदम ही पूरा जो विरोध है वो पूरा पिघल जाता है और आप दूसरे के साथ में एक हो जाते हो। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो ऐसा आपने बोल दिया, तो पूरा वहाँ झगड़ा झंझट सब पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप एक हो जाएंगे उसके साथ में, अपना ईगो बाजू में हो जाता है इसमें, और उसका ईगो डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाता है। हमको चाहिए क्या है, हमको रिश्ते अच्छे होना है, आई एम सॉरी ऐसा बोला तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको ऐसा लगता ना मैं गलत हूँ, ये दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मगर मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है मगर आपको यदि बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तो ये पांच चीज़ें हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ। एक है कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, कदर करता हूँ। नंबर दो, ये मेरा नज़रिया है,
मेरा व्यू है। नंबर तीन, धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो, एक्नॉलेज जब करते आप तो, या उसके बाद में कभी, मतलब नंबर तीन थैंक यू बोलने का है, थैंक यू। नंबर चार, रिक्वेस्ट करो, सीधा डायरेक्ट ऑर्डर देने के बदले रिक्वेस्ट करने का है। नंबर पाँच, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। तो ये चीज़ें आप पाँच करते हैं तो आपके कोई भी रिश्ते में दरार नहीं आएंगी, रिश्ते बहुत पावरफुल हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा और लोग आपका सम्मान करना चालू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप फ्री सवाल जवाब कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में यदि कुछ पूछना है, सवाल करना है, तो नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।